आई मोना फ्रॉम सब स्टार चैनल और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गेट्स का जलेबी प्रीमिक्स, इसका रिव्यू कि ये कैसी बनती है। तो ये देखिए बनकर बिल्कुल तैयार है ये, तो ये इस तरह से बनी है। थोड़ी सी ये क्रिस्पीनेस इसमें कम है, बहुत जल्दी नरम पड़ रही है चाशनी में डालने के बाद। टेस्ट इसका ठीक ठाक है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। जब मीठा खाने का मन करे फटाफट से तो इसे बना सकते हैं, इसके लिए अच्छी है ये, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और तो चलिए अब हम एक बार इसकी पूरी रेसिपी देख लेते हैं कि गेट्स का प्रीमिक्स जलेबी कैसे बना करके तैयार करते हैं। तो चलिए इसके लिए मेरे साथ मेरे किचन में। और अगर आपको इसका वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अब हम ये गेट्स की जलेबी मिक्स बनाते हैं। ये कैसे बनती है इसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसके साथ एक इस तरह का बॉक्स है और ये जलेबी मेकर भी दिया गया है। इसमें जो है मेजरमेंट दिया हुआ है यहाँ पर पानी का कि हमें कितना पानी लेना है, तो हम इसके अकॉर्डिंग उसको मेजर कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसे बनाना शुरू करते हैं। ये इस तरह का इसमें से पैकेट निकला है प्रीमिक्स का और ये इस तरह के बॉक्स में आया है और यहाँ पर इसकी सारी विधि लिखी है, रेसिपी लिखी है कि हमें किस तरह से इसे बनाना है। और बहुत ही इजी वे में बन जाता है। 100 ग्राम का पैक है और ऐसा बताया गया है कि इस 100 ग्राम के पैक में इसमें 25 जलेबी बनेगी। तो अब हम ट्राई करते हैं कि किस तरह से बनती है, टेस्ट कैसा रहता है। तो इसके लिए अब मैं सबसे पहले यहाँ एक और अब ये देखिए इस पे सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। इसके अकॉर्डिंग हमें 125 ml इसमें वाटर लेना है, तो मैं इसी से मेजरमेंट कर लूँगी। तो हम जो है वो सारे मेजरमेंट इसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं और मैं पहले एकदम से इसमें हम पानी नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही पानी ऐड करेंगे ताकि एकदम गीला ना हो जाए। और ये देखिए अब एक स्मूथ पेस्ट बनके तैयार हो गया है इसे इस तरह से फेंटते हुए। और अब इसके बाद इसमें जो जलेबी मेकर दे रखा है हमें ये ले लेंगे हम इस तरह से। इसे ओपन करने के बाद अब ये इसमें ये सारा जो पेस्ट बनकर तैयार है जलेबी का वो इसमें हम भर देंगे और ये बहुत ही आसानी से भर जाएगा। और धीरे धीरे करके स्पून की हेल्प से भर लेंगे हम। तो ये देखिए भर लिया इस तरह से सारा पेस्ट, इसका लीड कवर कर देंगे और अब इसके बाद इसका इस तरह से पैक करके इसे हम एक साइड रख देंगे। और तो अभी देखिए मैंने चाशनी बनाने के लिए बर्तन ले लिया है और अब इसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग इसमें हमें 240 ml पानी डालना है। तो ये मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इसमें शुगर ऐड करेंगे, तो इसमें 300 ग्राम के करीब शुगर ऐड करनी है हमें। और अब इसके बाद हम शुगर अच्छी तरह से डिसॉल्व होने तक या फिर एक तार की चाशनी बनने तक हम इसे अच्छी तरह से उबाल लेंगे। इसे बनने में लगभग 7 से 9 मिनट का टाइम लगेगा, तो इसे स्लो फ्लेम पर हम इसी तरह से होने देंगे। तो ये देखिए ये हमारी चाशनी भी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब हम इस बर्तन को हटा करके अब हम इसमें एक पैन चढ़ा देंगे क्योंकि हमें जलेबी फ्राई करनी है। तो एक इसके लिए हमें एक चौड़ी तली का पैन लेना पड़ेगा। चाहे तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं लेकिन क्योंकि घी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है जलेबी का, इसलिए मैं घी में बना रही हूँ इसे। अभी जो घी है वो गर्म हो गया है, बहुत ज़्यादा कड़क गर्म नहीं करेंगे हम इसको। और अभी जो इसमें बैटर भर के रखा है इससे धीरे धीरे अब हम जलेबी बनाएंगे। यदि आपके हाथ बहुत अच्छी तरह से जमे हुए हैं जलेबी बनाने में तो बहुत प्रॉपर बनेगी, लेकिन ट्राई ज़रूर कर सकते हैं हम। और अब इसका फ्लेम जो है वो मीडियम टू हाई रखेंगे, बहुत ज़्यादा तेज पर नहीं पकाना है इसे। तो ये देखिए अब मैंने इसको धीरे धीरे इस तरह से टर्न कर दिया है और जलेबी जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से पक गई है। क्योंकि मुझे थोड़ी क्रिस्पी जलेबी पसंद है इसलिए मैंने इसे डार्क शेड में फ्राई किया है। आप चाहें तो लाइट शेड में भी इसे फ्राई कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसको ये जो हमने चाशनी बना के रखी है उसमें ऐड कर देंगे इसे तुरंत।
और अब ये देखिए इसे हमें चाशनी में भी बहुत देर नहीं डीप करके रखना है, नहीं तो ये बहुत जल्दी नरम पड़ जाती हैं। और अब मैं इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लूँगी। देखिए, और अब सेम प्रोसेस से अगला बैच भी हम प्रिपेयर। और अभी देखिए इस तरह से इसे टर्न कर देंगे। कलर आपको लाइट पसंद हो तो आप इसे जल्दी भी टर्न कर सकते हैं। और अभी देखिए इसको निकाल कर मैं इसे चाशनी में डीप करूंगी। तो ये देखिए मैंने दो बैच बना करके तैयार कर लिए हैं इसके। देखिए मैं इसका आपको ऑनेस्ट रिव्यू दिखाऊं तो ये बिल्कुल क्रिस्पी है नहीं, जैसा कि इसके पैकेट पर लिखा हुआ है कि बहुत ही क्रिस्पी बनेगी, इस तरह की नहीं बनी है। लेकिन इसने चाशनी वगैरह अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है और मैंने पूरे इंस्ट्रक्शंस इसके पैकेट पे लिखे थे उसी के ही अनुसार फॉलो किए हैं। टेस्ट जो है वो जो नॉर्मल हम तुरंत की बनी हुई जलेबी खाते हैं बिल्कुल फ्रेश वाली, उससे थोड़ा सा अलग है। लेकिन हाँ, यदि कुछ मीठा खाने का मन करे फटाफट तो आप इसे बनाकर खा सकते हैं, मेहमानों को भी खिला सकते हैं। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।